नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप भाई? ब्रो साइंस पे वीडियो बनाए हैं आज। आज का टॉपिक बहुत जोरदार है, ब्रो साइंस। क्या होता है ब्रो साइंस भाई? सब सोचते हैं, सब उठा उठा के। आप लोग सोचो, आपने इंटरनेट पे वीडियो देखा कि भाई फैट को डायरेक्ट मसल में कन्वर्ट कर दो। आप देखते हो वीडियो, राइट? लोगों के टॉपिक के सामने का आप जब वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे, इंटरनेट पे मैसेजेस आते हैं आपको, खतरनाक खतरनाक मैसेजेस, ऐसी चीजें बोलते हैं, 5 दिन में 5 किलो वजन घटाएं, या फिर आप ये जो आपकी चर्बी है, सेलुलाइट है, इसको वाइब्रेट करके पिघला दीजिए, एक गोली खाइए, पतले हो जाइए, राइट? या फिर ऐसी चीजें जिसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है, वो चीजें जो आप देख के, मान लीजिए आपको कोई कुछ चीज आप चाहते हैं, कोई बीमारी है, राइट? आपको सुनपना हो रहा है, आप चले गए इंटरनेट पे, आपने टाइप किया कि टिंगलिंग नमनेस, नमनेस इन द हैंड, नमनेस इन द फीट, राइट? तो आपके सामने आ जाती हैं बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी चीजें जो लिटरली इंटरनेट पे किसी ने भी लिखा है, क्योंकि चाहे यूट्यूब हो चाहे गूगल हो, गूगल बाबा, गूगल डॉक्टर ये चीज नहीं करता कि ये स्क्रूटिनीफाई करे कि इसने हेल्थ के बारे में सवाल पूछा है, तो इसको सिर्फ वो चीजें दिखाओ जो किसी डॉक्टर ने लिखा हो या किसी ऑथेंटिक वेबसाइट, नहीं, उसका इतना है जिसने ज्यादा SEO किया है, जिसने ज्यादा मार्केटिंग की है, उसका पहले दिखा दो। यानी आप और मैं अगर ब्लॉग लिखेंगे, आप, मैं तो छोड़ो डॉक्टर ही हूं, आपने अगर ब्लॉग लिखना शुरू किया कि ये करो ये करो ये करो, तो आप भी, आपका भी वो कोई भी देख सकता है। सो ये तो चलो सब आप लोगों को समझना है कि गूगल पे तो सारी चीजें जो है वो देखना, गूगल डॉक्टर पे बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, लेकिन ब्रो साइंस ज्यादातर माना जाता है वो चीज जो एक्सरसाइज या फिटनेस या वेट लॉस इसके बारे में आती है, और उसके बारे में बताई गई चीजें जिसका आपको सिर्फ आकर्षित करने के लिए जो उल्टे सीधे तरीके बताए जाते हैं, घर में बना के बताए जाते हैं, उनके बारे में आज हम बात करेंगे तुरंत तुरंत। और आज के सवाल भी मैं यही लूंगा, लोग ब्रो साइंस पूछ सकते हैं कि हाँ क्या ये पॉसिबल है, मैंने ये सुना है, मैंने वो सुना है, ऐसे सवाल आप पूछेंगे। कुछ सवाल मैं पहले डायरेक्ट बता दूंगा, जैसे एग्जाम्पल में, नंबर वन, क्या चर्बी को फैट में डायरेक्टली कन्वर्ट किया जा सकता है किसी भी तरह से? तो उसका आंसर है नहीं, ना कोई जड़ी बूटी, ना कोई दिव्य दवा, ना कोई ऐसी चीज है जिससे चर्बी को, फैट को डायरेक्ट मसल में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है? तो पहले एक बार सोच लो ब्रो साइंस के बारे में। हेलो, हाँ जी, हाँ बोलो। कुछ नहीं करना, अभी ऑब्जर्व करो, 100 क्रॉस होगा तो पैरासिटामोल देना, 101 क्रॉस होगा तो, ठीक है? सो दूसरा जो ब्रो साइंस बहुत जोरदार जो दुनिया भर में चल रहा है, आपने सर्च करा मेरे को सिर्फ पेट पतला करना है, स्पॉट रिडक्शन, मुझे गाल भरे हुए हैं, मुझे गड्ढे चाहिए, मुझे गाल में गड्ढे, मुझे सिर्फ मेरी चिन जो है डबल चिन खत्म करनी है, मेरे हाथ में बहुत फैट है, मुझे सिर्फ वो खत्म करना है, तो या मुझे एब्स मारने, तो एब्स तो मारने पड़ेंगे, मैं रोज एब मारता हूं क्योंकि मुझे पेट कम करना है। ये सबसे खतरनाक ब्रो साइंस है कि एक जगह का फैट कम हो सकता है। नंबर वन, नहीं, एक जगह का फैट नहीं कम होता, एब्स मारने से कभी एब्स पतले नहीं होते, एब्स मारने, कभी बाइसिप मारने से बाइसिप्स पतली होती है क्या? बाइसिप्स मारने से मसल बड़ी होती है, एब्स मारने से एब्स की मसल बड़ी होती है, एब्स मारने से वहां का फैट खत्म नहीं होता, वहां का फैट खत्म होगा कैलोरी डेफिसिट से, पूरे बॉडी का फैट कम होगा तो वहां का फैट कम होगा, राइट? तो ये हुआ वो वाला। फिर दूसरा ब्रोसांस बोलते हैं कि स्टार्विंग योरसेल्फ, राइट, खाना ही खाना और इज द ओनली एंड बेस्ट और इज अ गुड वे टू लूज वेट, मतलब फास्टिंग, फास्टिंग की सबसे जरूरी चीज है, आप फास्टिंग करोगे तो आपका ऑटोफेजी शुरू होगा, तो आपका ये शुरू होगा, तो आप बीमार नहीं होगे, तो आप सबसे सही होगा। ये बहुत खतरनाक और बहुत डेडली ब्रो साइंस है, जहां तक फास्टिंग में जरूर ये होता है, बट दिस इज नॉट दी ओनली, दिस इज नॉट द बेस्ट वे। आप 6 घंटे 12 घंटे 18 घंटे फास्टिंग करो, कितने भी घंटे फास्टिंग करो, अल्टीमेटली पूरे दिन में आपके अंदर कैलरीज कितनी जा रही है वो मैटर करती है। अगर आपने कैलरीज डेफिसिट में नहीं रखी तो वजन कम नहीं होगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। मतलब आप
16 घंटे फास्टिंग कर रहे हो और उसके बाद जो पूरे दिन का खाना है वो एक साथ खा रहे हो, राइट, उतना ही खाना जितना पहले हो, तो आपका वजन कम नहीं होगा। अगर एक्टिविटी भी नहीं बढ़ा रहे, वो भी नहीं बढ़ा रहे, सो व्हाट मैटर्स, कैलोरी डेफिसिट। कैलोरी डेफिसिट नहीं है तो वजन कम नहीं होगा, राइट, रिमेंबर दिस। टोनिंग मसल्स, राइट, टोनिंग मसल्स के लिए कई लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे कि मसाजेस और दूसरी चीजें, लेकिन टोनिंग मसल्स में जो सबसे जरूरी या एक्सरसाइज से आप टोनिंग करते नहीं, आप यू कैन नॉट टोन मसल्स बाय एक्सरसाइज, यू कैन ओनली टोन मसल्स बाय टोनिंग, मतलब वो चीजें, उसके लिए आपको चाहिए कार्डियो, कार्डियो एंड कार्डियो ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग, एंड यू कैन टोन योर मसल्स बाय स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग इज द टोनिंग थिंग, राइट, नॉट बाय एनी वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेज, रिमेंबर दैट। देन और चीज क्या है, हाँ, कुछ भी जो आपको प्रॉमिस करता है कुछ हफ्ते में, 4 हफ्ते में, ये 2 हफ्ते में, ये 3 हफ्ते में, ये 1 दिन में लिंग बड़ा करे, एक गोली में ये करे, क्या क्या करे, दोज आर ऑल फेक, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप ये नहीं देखते कि वो कौन है। वो कहता है मेरे पास सर्टिफिकेट है, क्या सर्टिफिकेट से सारी नॉलेज आती है? वो एक बीबीसी न्यूज में चैनल है, मैंने देखा, वो कहता है मैं सर्टिफिकेट, वो क्या कहता है, आप खड़े होकर पानी पीते हो तो पानी डायरेक्ट पेट में जाता है, और पेट के जो डायरेक्ट पेट में जाता है, वैसे के डायरेक्ट पेट में नहीं जाता, वैसे डायरेक्ट पेट में जाता है, और पेट के जो वहां पे म्यूकोसा है उसको डायरेक्ट ऐसे लगता है वर्टिकल, तो उसके वजह से पेट में इंटेस्टाइन डैमेज होता है, और फिर वहां से वो किडनी स्टोन्स कर सकता है, ये कर सकता है, वो सकता है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। आप जब बैठते हो, बैठ के भी यहां तक तो स्ट्रेट ही है ना, या तो लेट के पानी पियोगे, वो बकवास सा लॉजिक है जो लोग देते हैं, और अच्छे अच्छे चैनल्स में अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग उल्टे सीधे लॉजिक्स देंगे आपको, जो ब्रो साइंस है टोटली, राइट। ज्यादातर जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो ज्यादातर जिनको नॉलेज नहीं होता, वो आपको ऐसी ब्रो साइंस टका देते हैं कि बेटा यही करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा, इतना वजन जब तक नहीं उठाओगे, फटे तलक एक्सरसाइज नहीं करोगे, तब तक आपकी बॉडी नहीं बनेगी। गलत बात, ज्यादा वजन उठाने से बॉडी नहीं बनती, इंजरी होती है। ज्यादा मसल, ज्यादा वजन उठाने से इंजरी होती है। कम वजन उठाइए, ज्यादा देर तक उठाइए। डेडलिफ्ट करते हो ना, 100 किलो, 200 किलो, 300 किलो, 250 किलो, वीडियोस देखते हो, वाह 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 मजा आ गया, 250 किलो, 350 किलो, 400 किलो डेडलिफ्ट, वाट लग जाती है लोअर बैक की, उसी की जगह 20 किलो की डेडलिफ्ट करो, 20 किलो की, और स्लोली ऊपर आओ, पूरा नीचे जाओ, टच करके वापस आओ, रखना नहीं वेट को, फिर देखो कितना मजा आएगा। सही पोस्चर से 20 किलो के 10 करके देखो, इंस्टेड ऑफ 200 किलो का एक, सेम इफेक्ट आएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मसल गेन की बात हो रही, बॉडी बिल्डिंग की, वेट लिफ्टिंग की बात नहीं हो रही, वेट लिफ्टिंग अलग चीज है, वेट लिफ्टिंग में आप हैवी वेट उठाओगे, मसल बिल्डिंग में नहीं। सो ये गलत धारणा है लोगों की, यू आर लिफ्टिंग हैवीएस्ट वेट देन यू आर गोइंग इनटू बॉडी बिल्डिंग, नो, यू आर गोइंग इनटू वेट लिफ्टिंग। बॉडी बिल्डिंग करनी है, बहुत हैवी वेट उठाने की जरूरत नहीं होती, वो टाइम अंडर टेंशन मैटर करता है उसमें, टाइम अंडर टेंशन, नॉट दैट नेगेटिव रेप, वो मैटर करता है। अगर आप देखते हैं, फॉलो करते हैं मुझे, तो आप समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं, राइट। और कई लोग क्या करते हैं, एक बंदे ने डाइट फॉलो की, पतला हो गया, वो लिख दिया मैंने ऐसे पतला हुआ, ओह माय गॉड मैं भी ऐसे करूंगा। हर बंदे में एक ही चीज काम नहीं करेगी, आप उठा के वो सब ट्राई करने लग जाते हो इंस्टेड ऑफ नोइंग द बेसिक्स। वो बहुत बड़ा ब्रो साइंस, लोग सोचते हैं ऐसा हो जाएगा, राइट, ऐसा नहीं होता। कई लोग ब्रो साइंस बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, रात को कार्ब्स खाओगे तो इमीडिएटली फैट बन जाएगी, कतई भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। व्हाट मैटर्स इज टोटल 24 आवर्स में कार्बोहाइड्रेट टोटल कितना गया, टोटल 24 आवर्स में यूज्ड एनर्जी है, उतनी एनर्जी गई कि नहीं, उससे कम गई कि क्या गई। अगर एनर्जी उससे कम गई तो वेट लॉस होगा, उससे ज्यादा गई वेट गेन होगा, बहुत ज्यादा गई फैट बनेगा, राइट। तो कार्बोहाइड्रेट रात को खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे बड़ा एक और ब्रो साइंस है, नो फैप, मास्टरबेशन नहीं करूंगा तो मेरे में ताकत आएगी, मेरे एनर्जी बचेगी। एब्सोल्यूट रबिश। 1000 बार हमने मैस्टरबेशन के वीडियोस में बताया है, मैस्टरबेशन इज नॉर्मल, मैस्टरबेशन नहीं करने से कोई एनर्जी नहीं मिलेगी, कोई ताकत नहीं मिलेगी, कोई कुछ नहीं मिलेगा, इट्स ऑल रबिश। इट्स गुड टू हैव सेक्स रेगुलरली, डू मैस्टरबेशन रेगुलरली, रिसर्च प्रूवन है, खुद रिसर्च करके देखो, पबमेड में जाके, मैस्टरबेशन के साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं होते, राइट। सोए से दूर भागते हैं, सोए खाने की खाओगे तो लड़की बन जाओगे, एब्सोल्यूट ब्रो साइंस। फाइटो ईस्ट्रोजन्स है सोए में, बकवास, सोए से कोई प्रॉब्लम नहीं होता। यू कैन टेक सोए अप टू 100 ग्राम्स पर डे,
चाइना जापान में 60 ग्राम्स का एवरेज है, रोज खाते हैं लोग, एवरेज रोज खाते हैं। कितने से होगा आपको, अगर आप एक्चुअल फाइटोएस्ट्रोजन से टेस्टोस्टेरोन कम होगा, 1.5 से 2 किलो सोय रोज खाओगे, 1.5 से 2 किलो, मैं कितनी बोल रहा हूँ, 100 ग्राम्स, 1.5 से 2 किलो सोया मिल्क रोज खाओगे, तो हफ्तों के बाद टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा कम हो रहा नहीं, बात समझे। ये सारे हैं आपके ब्रो साइंस। फिर आती है ब्रो साइंस नंबर वन के, चलो इतना हो गया ब्रो साइंस का। अब आप बोलो कौन कौन से ब्रो साइंस देखने हैं, उसके हिसाब से आपके सवालों के जवाब देते हैं ब्रो साइंस, है ना, बहुत से आपके सवाल। पहले हम थोड़े से पेड सवालों के जवाब दे देते हैं, ऑलराइट, और पहले 10 सवालों के जवाब दे देते तुरंत तुरंत, फिर पेड सवाल, फिर ब्रो साइंस, ओके। सर क्या नॉक नीज वालों को हैवी वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्या शुगर के, एक सवाल अमोल जी, जूस, शुगर किन का जूस पी सकते हैं क्या वाइल्ड डाइटिंग? गुड क्वेश्चन, पी सकते हो, अगेन आपको दूसरे कार्ब्स कम करने पड़ेंगे, बिकॉज देखिए डिपेंड करता है आपकी एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना है। अगर आप धूप में घूम रहे हो तो धूप में घूमते हुए बाहर धूप में आपकी एनर्जी बहुत कम हो जाएगी, आपको चक्कर आ सकते हो, उस समय शुगर केन जूस पी सकते हो। लेकिन अगर आप घर पे बैठे हो, कारों में घूम रहे हो और शुगर केन जूस पी रहे हो तो आप पागल हो पागल मतलब मोटे हो जाओगे और क्या। सर जी, सर फाइमोसिस अनसर्कमस्टाइज पेनिस में क्या फर्क होता है या सेम है? नहीं जी, बिल्कुल बहुत फर्क होता है। फाइमोसिस में जो स्किन है वो पीछे नहीं आएगा, रिट्रैक्ट नहीं होगा, स्किन आगे ही झुका रहेगा, पीछे नहीं आएगा, हेड से नॉर्मल में पीछे आ जाता है, फाइमोसिस उसको कहते हैं। ऑलराइट, तो उसके ऊपर भी अभी वीडियो आने वाला है मेरा। सर जिंजर टी बेनिफिट्स, जिंजर टी इज, जिंजर इज गुड, टी इज गुड, टी के अपने कैफीन स्टिमुलेंट है, वो आप ग्रीन टी वाले वीडियो में देखो उसके बेनिफिट हमारे, और जिंजर इज अ गुड एंटीऑक्सीडेंट, एंटी कैंसर, बढ़िया चीज़ है, थोड़ी थोड़ी खाओ, ऐसा नहीं कि उसको लेने से कैंसर नहीं होगा, लेकिन इट्स गुड फॉर मेनी थिंग्स, राइट। प्लीज डू रिव्यू ऑन सिट्रोन एलरेट प्लीज, अभी मेरे दूसरे वाले चैनल पे जल्दी जल्दी ये सब आने वाले हैं। दिग्विजय जी, हाउ टू अवॉइड डायबिटीज इफ इट इज हेरिडिटरी? लो कार्ब डाइट ओनली वे, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज, दिस इज दी ओनली वे टू अवॉइड लो कार्ब, यानी नॉर्मल कार्ब डाइट, ज्यादा कार्ब नहीं खाना, 1:2 के ऊपर 1 प्रोटीन, तो 2 कार्ब, उससे ज्यादा मत जाओ, राइट, यू विल नेवर हैव डायबिटीज, डोंट वरी। हेरिडिटरी मतलब अगर डायबिटीज टाइप 1 है देन देर इज अ डिफरेंट केस। टाइप 1 में आपके अंदर इंसुलिन ही नहीं है तो फिर आपको तो ध्यान देना पड़ेगा, फिर तो आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। विच प्रोटीन सप्लीमेंट शुड आई गिव टू माई पेरेंट्स? दे आर अराउंड 55, दे डेली प्रोटीन इंटेक इज लेस एंड 1 मिलियन सून, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मुदित जी। पेरेंट्स के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट डिपेंड करता है वो खा क्या रहे हैं। अगर वो पूरे दिन में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, मैं 1 ब्रेड 2 ब्रेड 3 ब्रेड, बिस्किट्स, रस, कई लोग सिर्फ यही खाते हैं, राइट, बिस्किट खा लिया, 2 ब्रेड खा लिया, ये खा लिया, उसके ऊपर जैम लगा के खा लिया, अल्टीमेटली दे आर ईटिंग ओनली कार्ब्स। सो आपको उनको प्रोटीन देना है जिसमें प्रोटीन ज्यादा हो, कार्ब्स कम हो। अगर वो कुछ नहीं खा रहे देन आप वो दीजिए जिसमें प्रोटीन और कार्ब्स दोनों हो, राइट। अगर कुछ कार्ब्स खा रहे हैं तो आइसोलेट दो, कोई बात नहीं, आइसोलेट वे प्रोटीन दो। अगर कार्ब्स नहीं खा रहे हैं तो आप उसमें वो दे दो, गेनर दे दो। गेनर में क्या होगा, उनके कार्ब्स होंगे ताकि एनर्जी भी मिले। सो इट डिपेंड्स अपॉन द मैक्रोज, अगेन यू हैव टू मेंटेन देयर मैक्रोज, राइट, ओके। देन सर एलर्जिक राइनाइटिस सोल्यूशन, एलर्जिक राइनाइटिस का परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं एक्सेप्ट स्टेइंग अवे फ्रॉम एलर्जीज। एलर्जी वाला मेरा वीडियो देखो, उसमें समझ जाएगा आपको आगे क्या करना है। एलर्जी बाय डॉक्टर एजुकेशन ऑन यूट्यूब, राइट, टाइप कर लो। हेलो सर, हाउ डू बॉडीज यूज फैट? इज इट नीडेड व्हेन वी टेक कार्ब्स आल्सो? एब्सोल्युटली दे आर नीडेड व्हेन वी टेक कार्ब्स आल्सो। शीशाद जी, आपने अभी मेरा फैट वाला वीडियो नहीं देखा, अभी मैंने 2-4 दिन पहले फैट बहुत जरूरी है, फैट नहीं खाओगे तो बॉडी नहीं बनेगी वाला वीडियो देखो, दैट इज ऑन फिटनेस एंड न्यूट्रिशन चैनल बाय डॉक्टर एजुकेशन, साइंस ऑफ एक्सरसाइज पे अभी आया है, उसको समझो कि फैट क्यों जरूरी है, दैट विल गिव यू एन आंसर। बट अभी मैं बता देता हूँ, वेन एवर यू एक्सरसाइज, वेन यू डू अ कार्डियो, 80-90% यू आर यूजिंग ओनली फैट्स, 80-90% यू आर यूजिंग ओनली फैट्स एनर्जी वेन यू डूइंग कार्डियो, राइट, ओके। ब्लुक ट्यूब के बारे में, बुक ट्यूब क्या ये, ब्लुक ट्यूब ये क्या चीज़ है मुझे नहीं पता, ब्लुक ट्यूब क्या होता है पता नहीं। अगर ऑलरेडी किडनी स्टोन हो तो दिन में कितने mg विटामिन सी लिया जा सकता है? विटामिन सी और किडनी स्टोन का कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप विटामिन सी बिंदास ले सकते हो। किडनी स्टोन वाले वीडियो देखो, उसमें आपको समझ में आएगा कहाँ किसका लेना देना है। किडनी स्टोन बाय डॉक्टर एजुकेशन, नीचे लिंक दिया हुआ है। जय हिंद। देखे भाई 10 सवाल हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
नाउ लास्ट सवाल, लो विटामिन डी एंड B12 इवन आफ्टर टेकिंग हाई डोज ऑफ टैबलेट्स, रीजन एंड सोल्यूशन, अनएक्सप्लेन वेट लॉस टेस्टिंग, एवरीथिंग इज ओके एक्सेप्ट हाई कोलेस्ट्रॉल एंड सजेशंस। योर प्रॉब्लम इज अ डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम, आपके अंदर एब्जॉर्प्शन सही नहीं हो रहा, मैल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है, जिसकी वजह से जो खा रहे हो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, चाहे वो टैबलेट हो चाहे वो खाना हो, इसलिए आपको एनर्जी नहीं है, वेट लॉस है, ये सब हो रहा है। आप जाके मिलिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से, वो चेक करेंगे, नीचे से एंडोस्कोपी करके देख सकते हैं वहाँ क्या प्रॉब्लम है। फिलहाल विटामिन डी और B12 के लिए इंजेक्शन ले लो, उससे फर्क पड़ेगा। और एक बार में कम खाना खाओ, दिन में 6 बार खाना खाओ, उससे फर्क पड़ेगा। और एक्सरसाइज करना शुरू करो, उससे फर्क पड़ेगा। एग्जैक्ट ट्रीटमेंट कारण पकड़ने के बाद होगा, उसके लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाओ। हाउ टू लूज मोर वेट, गो एंड वॉच माय वेट लॉस वीडियो जो मैंने अभी थोड़ी दिन पहले बनाया था, वेट लॉस एपिसोड 41 समथिंग लाइक दैट, उसको फॉलो करो, यू विल लूज वेट। बेसिक वन थिंग विच आई कैन से, रिड्यूस का एक हर टाइम अपना कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस करते जाओ। एक बार आधा कर दो, जितना खा रहे हो, रोटी जितनी खा रहे हो आधे कर दो, फिर देखो वजन कितना कम हुआ, फिर कम होना बंद हो गया, फिर और आधे कर दो, फिर कम हुआ बंद हुआ, फिर और आधे कर दो, या फिर एक्सरसाइज डबल कर दो, दैट्स इट, इजी एज अ पीजी, पिंपल, सिंपल एज अ पिंपल, इजी एज पीजी क्या था? एनीवेज, ओके सर, राइट साइडेड वेरिकोसिल, राइट साइडेड ऑर्थाइटिस, प्लीज हेल्प, यू नीड अ सर्जन, सर्जन से एंटीबायोटिक लेनी होगी ऑर्काइटिस के लिए, वेरिकोसिस के लिए सर्जरी, और कोई ऑप्शन नहीं है। ऑलराइट, अब मैं ले रहा हूं सुपर चैट के क्वेश्चंस, सुपर चैट, अच्छा सुपर चैट, सुपर चैट, सुपर चैट, सुपर चैट, सुपर चैट के सवाल यहां से देखने पड़ेंगे। सुपर चैट के सवाल के बाद सारे ब्रो साइंस पे सवाल लूंगा। ऑलराइट, सुपर चैट का सवाल नंबर 1, मुदित सिसोदिया, डज कोकोनट वाटर हेल्प कोकोनट टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर? नो, ये कहां से आ गया? No, coconut water does not control blood pressure. It's just a good hydration thing. अगर आप पानी कम पीते हो तो coconut water is good. But एक तरीके से सोचो, जो लोग पानी कम पीते हैं उनका किडनी डैमेज होता है, किडनी सही से काम नहीं करेगा, यूरिन नहीं निकालेगा, तो स्लोली किडनी की वजह से हाई ब्लड प्रेशर होगा। आप पानी पीना शुरू कर दिया या coconut water पीना शुरू कर दिया, किडनी को लगा हाँ चलो मैं काम कर लेती हूँ, चलो अच्छे से काम किया तो ब्लड प्रेशर भी रिलैक्स होने लग गया, शरीर में टेंशन कम होने लग गया, बीपी कम होने, मेरी ट्रीटमेंट तो कोकोनट वाटर ने किया, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू थिंक दैट वे कि कहां से क्या लॉजिक बैठा है। ओके पाजी, इज इट गुड टू कंप्लीटली कट आउट शुगर्स फ्रॉम डाइट इंक्लूडिंग टी कॉफी बिस्किट एंड एवरीथिंग 29 ईयर, नो पायरामेडिकल कंडीशन? एब्सोल्युटली, सिंपल शुगर्स कट डाउन, मैंने कट डाउन कर दिया, आई डोंट ईट शुगर्स, कभी कभी खा लेता हूँ, कोई कोई मिठाई विठाई मिल जाए कभी बहुत साल में 2-4 बार या कोई त्योहार में, वरना नहीं खाता, ठीक है? शुगर्स, नो यूजिंग शुगर्स, राइट, एब्सोल्युटली, देन सिंपल शुगर्स बंद कर दीजिए। सर ये तरुण गिल के चैनल पे कोई बोलता था हमेशा वेस्ट में बेल्ट पहनने से वेट कम हो गया, आई डोंट बिलीव हिम, या मैंने भी देखा वो वीडियो, मैंने 28 की यूरिन के लिए 1.5 महीना मैं वो पहन के रहा। भैया वो वेस्ट कम नहीं कर रहा, वो वाली चीज़ें, वो ब्रेस नहीं है, वो उसको क्या कहते हैं, वो ब्रेस भी नहीं कहते, ब्रैकेट या वो जो भी कहते हैं, हार्नेस्ट, हार्नेस्ट होता है, जी हाँ बिल्कुल, आप अपनी वाट लगा सकते हो, बिल्कुल उससे आप खुश रह सकते हो, दैट्स अ बिग ब्रो साइन। यू नो देर आर कल्चर्स जिसमें फीमेल्स गले में रिंग पहनती है और गला इतना लंबा कर देती है, मतलब ये जो है ना इतना लंबा गला, देखा होगा ना वो आदिवासी लोग इतने बड़े बड़े रिंग पहनते हैं, वो क्या है, स्लोली स्ट्रेचिंग से, स्लोली स्ट्रेचिंग से, स्लोली स्ट्रेचिंग से गला पतला होके लंबा हो सकता है, तो जी हाँ पेट भी पतला होके लंबा हो सकता है, बट ताकत नाम की चीज नहीं होगी उसमें, इट विल बी वेरी हार्मफुल प्रॉब्लम्स ऑन योर मसल्स, ऑन योर लिवर, ऑन योर हेल्थ। आप क्यों एक्सरसाइज कर रहे हो? आपको एक्सरसाइज करनी है हेल्दी रहने के लिए, अपनी वाट लगाने के लिए, राइट? पहली बात तो ये, दूसरी बात ये क्या है, वो मैंने देखा है तरुण गुल उनके चैनल में कई बार, इवन सारे जितने भी दूसरे तीसरे बॉडी बिल्डर्स उनके एक्सपीरियंस और ये बताते रहते हैं, ये भी एक बहुत खतरनाक चीज़ है, इस पर भी वीडियो बनाना पड़ेगा, बहुत खतरनाक चीज़ है ये, इट्स समथिंग लाइक विच इज़ डिस्ट्रॉइंग योर गेन्स, या आपका दिमाग कहाँ है, आई टेल यू अबाउट इट इन द नेक्स्ट वीडियो रैदर, अपने फिटनेस एंड न्यूट्रिशन चैनल पे ध्यान दीजिएगा, कोशिश करूंगा आज ही आ जाए तो अच्छी बात है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में, इट्स नॉट दैट ही इज़ डूइंग रॉन्ग, इट्स बेसिकली कि वो इफेक्ट क्या देगी आपको, That is, अब तो वो तो आपके ऊपर है ना कैसा इफेक्ट लेना, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट, ये हो गए हैं आपके पेट सवाल, अब बात करते हैं हमारे दूसरे सवालों की। सबसे नीचे हम चले गए हैं, और सबसे नीचे आने के बाद अब आप ब्रो साइंस पे सवाल पूछना शुरू करिए, राइट? अगर आपका सवाल ब्रो साइंस, यानी ऐसा कोई साइंटिफिक चीज है जिसके बारे में आपको जानना है कि ये सच है कि झूठ है, तो उसमें लिखिए ब्रो साइंस और ये सवाल,
इतना सा लिखना है, लंबी कहानी नहीं लिखनी है, अभी लिखना शुरू करिए। अगर आपने पहले ऊपर डाला भी है तो वो सवाल फिर से लिखिए। अगर किसी ने ब्रो साइंस के बाद कोई साइंटिफिक सवाल नहीं तो अपना पर्सनल सवाल पूछा तो उसका जवाब नहीं दिया जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, किसी को अपने पर्सनल लेवल पे सवाल पूछने हैं तो या तो इसमें पहले दस में आइए या फिर व्हाट्सएप पे मुझे कंसल्ट कर लीजिए या पेड सवाल पूछ लीजिए। व्हाट्सएप पे पेमेंट करके आप आराम से अपना सवाल जवाब पा सकते हैं। व्हाट्सएप पे पेमेंट करके मैं अपनी एडवाइस दूंगा। कोई भी ट्रीटमेंट वाला जो चीज़ है, प्रोसीजर वोसीजर तो वहाँ हो नहीं सकते, तो ये समझना आपको है। तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7825 7875 7075। सवाल, रॉक सॉल्ट अच्छा है या सी सॉल्ट सर? ये ब्रो साइंस नहीं है, ब्रो साइंस के सवाल पूछूंगा मैं सिर्फ। उसके लिए सॉल्ट बाय डॉक्टर एजुकेशन का वीडियो देखिए, उसमें बताया हुआ है। ओके, ब्रो साइंस, डज पोटैटो स्लाइस रिड्यूस डार्क सर्कल अंडर आईज? यस इट डज, इट्स नॉट अ ब्रो साइंस। पोटैटो स्लाइस में ब्लीचिंग इफेक्ट होता है, सो वो आपका डार्क सर्कल ब्लीच करेगा, बिल्कुल करेगा। ओके, ब्रो साइंस, मोनोसोडियम ग्लूटामेट खा सकते हैं क्या? खा सकते हैं, बट इट इज अनहेल्दी। ज़्यादा मात्रा में रोज़ खाएंगे तो बीमार हो सकते हैं, बच्चों को नहीं देना चाहिए, उसमें किडनी और लिवर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। कुछ मात्रा में कभी कभी खा सकते हैं, राइट? ब्रो साइंस, देन व्हाट इज द साइंस बिहाइंड हैविंग डिनर 2 to 3 hours बिफोर बेड? इट इज सेड दैट फूड डाइजेस्ट वेरी इफेक्टिवली। एब्सोल्युटली, द आइडिया इज नॉट लाइंग डाउन इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, क्योंकि जब आप इमीडिएटली खाना खा के लेट जाएंगे तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो आपका खाना फूड पाइप में नहीं आना चाहिए, तो ग्रेविटी मदद करती है ना, नीचे खाना रहेगा, पेट में घर 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 चर्निंग हो रही है, आप लेट जाओगे तो अगर खाना ऊपर आना है तो आराम से आएगा। इसलिए आपको नंबर वन, खाना खा के तुरंत सोना नहीं है, 1-3 घंटे लगते हैं आपके पेट से खाना नीचे जाने को, डिपेंडिंग अपॉन आपने कितना खाना खाया, सही से चबाया कि नहीं, कितना पानी पिया। ज़्यादा पानी पी लोगे तो सही से चर्न हुए बगैर नीचे चला जाएगा, ज़्यादा पानी नहीं पियोगे तो मतलब सॉरी ज़्यादा पानी कह रहा हूँ, ज़्यादा नहीं चबाओगे तो भी वहीं ज़्यादा देर रहेगा, सही से चबाओगे तो सही से चर्न होकर नीचे जाएगा, सही से डाइजेस्ट होगा। खाना खा के 2 घंटे आपने कोशिश करनी है कि ना लेटें, लेटे भी तो टेढ़े लेटे, पूरा सीधा ना लेटें, ये हिसाब है। इट्स गुड, इट्स नॉट अ ब्रो साइंस, इट्स राइट। इज देर एनी लॉजिक लॉगिन दैट शुड नॉट ड्रिंक मिल्क इन द मॉर्निंग एंड शुड नॉट ईट कर्ड इन? नो, देर इज नो लॉजिक, ऑल बकवास, ये सब कोई, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। वेन यू ईट अ मिल्क, जब आप दूध पीते हो, अंदर जाके कर्ड ही बनता है, अंदर जाके, जी हाँ, आपके पेट में एसिड है, एसिड में दूध डालोगे तो क्या होगा बोलो? अंदर जाके कर्ड ही बनना है उसने, तो पहले कर्ड पियो या बाद में कर्ड पियो क्या फर्क पड़ता है? चाहे गर्म दूध पियो या ठंडा दूध पियो, गर्म हो दूध या ठंडा दूध हो, उसमें नींबू डालो या एसिड डालो, क्या होगा फिर खुद देख लो, सीधी बात है। ओके, ब्रो साइड, सर कार्डियो करते टाइम क्या बॉडी मसल से एनर्जी निकलती है या पहले फैट्स ब्रेक करती है? कार्डियो करते टाइम 80-90% फैट ब्रेक होता है और 10-20% कार्बोहाइड्रेट्स यूज होते हैं। इसके बारे में वीडियो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, फैट्स नहीं खाओगे तो बॉडी नहीं बनेगी वाला वीडियो जाके देखो, फिटनेस एंड न्यूट्रिशन चैनल, साइंस ऑफ एक्सरसाइज, राइट? ब्रो साइंस, हाउ सिनेमन इज गुड फॉर बॉडी बिल्डिंग, एट व्हाट स्टेज यू शुड स्टार्ट प्री वर्कआउट ड्रिंक्स एंड प्रोटीन पाउडर? ये ब्रो साइंस है? ये ब्रो साइंस नहीं है अनिक शर्मा जी, सॉरी यू वेस्टेड, ये सबका टाइम वेस्ट किया आपने, मैं नहीं दूंगा इसका जवाब, ये दवाल का जवाब ब्रो साइंस। देखो आपको भी समझना है, हमें भी समझना है कि कहां क्या करना है, ठीक है? इसको सही तरीके से प्रेजेंट करते कि सिनेमन से बॉडी बनती है, क्या ये सच है, तो शायद मैं जवाब देता। चलो एनीवेज, सिनेमन से बॉडी नहीं बनती, एनीवेज, ओके। क्रिएटिनिन मोनोहाइड्रेट, ये तो अलग चीज होगी। डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो, नहीं ब्रो साइंस। इज घी बेनिफिशियल? एब्सोल्युटली, इट्स अ हाई कैलोरी हाई एनर्जी फूड। अगर आप बहुत ज़्यादा अति एक्सरसाइज करते हो, पतले हो, तो आपके लिए घी जरूरी है, बच्चे हो तो घी जरूरी है। घी, बटर, मक्खन, मलाई बच्चों को खिलाओ, दबा के उनका वजन बढ़ेगा। अगर वजन बढ़ा हुआ है तो उनका कम करो, इट्स ऑल अबाउट दैट। वेट गेनिंग, दीज आर इंपॉर्टेंट, नॉट वेट गेनिंग, दीज आर गुड। मैराथन भागते हो, मिल्खा सिंह हो, घी पी सकते हो, जितना पीना है पी सकते हो, लेकिन आप मोटे हो थोड़े भी तो आपको घी नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। ब्रो साइंस, प्रोटीन सप्लीमेंट क्या है? कॉन्खंस में कुछ मंथ बाद गैप देना चाहिए? चलिए, क्या लिख रहे हो?
प्रोटीन सप्लीमेंट कॉन्ग खांस में कुछ मंथ गैप देना चाहिए? नहीं जी, इसका कोई साइंस नहीं है। प्रोटीन सप्लीमेंट कुछ दिन, अच्छा ये पूछ रहे हो क्या प्रोटीन सप्लीमेंट लगातार ले सकते हैं या कुछ दिन बंद करना पड़ेगा या क्या, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्रोटीन सप्लीमेंट इज इक्वल टू व्हाट यू आर ईटिंग, राइट? इट्स बेसिकली प्रोटीन अमाइनो एसिड। आपके शरीर में अमाइनो एसिड जाना चाहिए, तो टोटल अमाइनो एसिड अगर खाने पीने से नहीं खा रहे हो तो प्रोटीन खाना है, और प्रोटीन खा सकते हो, जिंदगी भर खा सकते हो, कोई नुकसान नहीं है, अनलेस एंड अंटिल वो प्रोटीन ओरिजिनल है। ओरिजिनल है कि नहीं उसकी क्या गारंटी है, मैंने बोला, उसने बोला, उसने बोला, या उसने बोला उसमें सर्टिफिकेट है, यह है, कोई गारंटी नहीं है भैया। अगर आपको डाउट है तो अपने डब्बा भेजो, टेस्ट करा लो, 1,500 रुपये में टेस्ट होता है दिल्ली में, वो मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ उस पर, ठीक है? हाँ, बाकी किसी ने क्या बोला उसकी कोई गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं है दुनिया में, कहीं पर भी कोई भी धांधली हो सकती है, ये इंडिया है सबसे बड़ी बात। हाँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कार्डियो फॉर वेट लॉस, ये भी एक ब्रो साइंस हुआ। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप हर एक में हर एक चीज काम नहीं करेगी, ये याद रखिए, ये पहली बात है। अगर आप ज्यादा कार्डियो करते हो तो एनर्जी यूज करना बढ़ गया, फैट लॉस होगा। अगर उसके साथ में डाइट नहीं है तो ठीक से नहीं होगा, है कि नहीं? उसके साथ डाइट है तो होगा, प्लस आपने अगर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तो आप एनर्जी भी यूज कर रहे हो, उस समय आप ग्लूकोज यूज कर रहे हो। जी हाँ, लेकिन ग्लूकोज खत्म होने के बाद तब कार्ब्स यूज होगा, पहले ग्लूकोज यूज होगा, फिर वो खत्म, फिर कार्ब्स, फिर आप थकने लगोगे, तभी थक जाते हो ना एक्सरसाइज का, पहले पहले फिर थक जाते हो, है कि नहीं? एक 100 मीटर रेस दौड़ भाग, तेज भागो, फिर उसके बाद क्या, 100 मीटर तेज भागते जाओगे क्या 2 घंटे तक? नहीं, लेकिन 2 घंटे तक जॉगिंग कर सकते हो, 2 घंटे का वॉकिंग कर सकते हो, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि तब फैट यूज हो रहा है, वो चीज है, राइट? सो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से दूसरा एडवांटेज ये होता है कि आपकी मसल्स बड़ी होने लग जाती है। बड़ी मसल होगी, बड़ी मसल को रिजिस्ट एग्जिस्ट करने के लिए ही ज्यादा एनर्जी लगेगी, तो अल्टीमेटली धीरे धीरे वेट लॉस और तेजी से होगा। क्योंकि सोचो, अगर आपके साथ शरीर में 50% मसल है, अब वो 80% मसल होगी, है ना? तो 80% मसल ज्यादा एनर्जी नहीं यूज करेगी, तो आप कम खाते हुए ज्यादा एनर्जी यूज करोगे तो अपने आप धीरे धीरे और पतले होते जाओगे। तो इसलिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थोड़ी करना अच्छी बात है, जरूरी भी है। स्टीविया कैन बी यूज्ड, यस। कैन वी टेक मल्टीविटामिन फिश ऑयल टुगेदर, यस ब्रो साइंस। नहीं होगा क्रिएटिन मोडो का, क्रिएटिन वाला वीडियो देखो हरसिमरन जी, ये पूरा कॉन्सेप्ट उसमें समझाया। व्हाट इज ब्रो साइंस? ब्रो साइंस इज समथिंग जो कोई पढ़े लिखे बगैर, आप अगर आपको कुछ जानना है, मान लो आपको जानना है कि हाथ में सुनपना कहां से आता है, नमनेस आपके हाथ में पैर में कहां से आता है, और आपने उसके ऊपर वीडियो बना दिया, ठीक है, कि मेरा सुनपना आ जाता था क्योंकि मेरे ऊपर ये था और ये था, और इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने सिनेमन घोट के पी लिया, 4 बार मैंने आंवला खाया और 1 बार मैंने ये खाया, या ऐसी एक टैबलेट है ये नाम की वो खाया तो मैं ठीक हो गया। और कैसे ठीक हुआ, और उसका लॉजिक क्या दिया, क्योंकि ये पानी पीता था, तो पानी क्या था, मैं पानी राइट साइड से पीता था, तो राइट साइड से जाके वो मेरे लेफ्ट हैंड में चला, लेफ्ट हैंड पीता, लेफ्ट साइड से जाके हाथ में चला गया, और हाथ में पानी जाके सुन हो गया। ऐसा कुछ भी बना देना ब्रो साइन होता है जिसका कोई लॉजिक नहीं है। पहली बात, साइंस समझने के लिए आपको मेडिकल साइंस यानी ह्यूमन बॉडी के बारे में समझना होगा, उसके लिए आपको बेसिक जानकारी चाहिए जो हर एक को नहीं होती। एक न्यूट्रिशनिस्ट को भी पूरी ह्यूमन बॉडी की एनाटॉमी, उसकी फिजियोलॉजी, उसकी बायोकेमिस्ट्री, उसकी पैथोलॉजी, दवा बीमारी की पैथोलॉजी समझना पूरी तरह से, सारे न्यूट्रिशनिस्ट को पॉसिबल नहीं है। कोई एक आधा होगा जो इंटरेस्ट से सबको समझता होगा, इवन डॉक्टर्स को सबको समझना पॉसिबल नहीं है। हर इंसान जो पढ़ाई करता है, मान लो हर एक ने हर एक इंजीनियर जो सब पढ़ के निकलता है, क्या उसको पूरा कुछ याद है? नहीं, सबको याद नहीं रहता। इसीलिए इट डिपेंड्स, आपको देखना होता है कि वो लॉजिक सही है कि नहीं। और अगर आप ज्ञान ले रहे हो अपनी लाइफ के लिए, तो वो अच्छी जगह से लो, ऐसी जगह से लो जहां से रिलायबिलिटी हो, ये नहीं कि उसके नाम के सामने डॉक्टर लगा है। अब मैं अगर मान लो आपको सिखाऊं कि मैं डॉक्टर हूं और मैं आपको सिखा रहा हूं कि हड्डी का ऑपरेशन कैसे करते हैं, जबकि मैंने ऑपरेशन कभी किया ही नहीं है, तो गलत नहीं है? हाँ, मैं लॉजिक बता दूं मेडिकल साइंस के पीछे का लगा, चलो ठीक है, हड्डी का ऑपरेशन करते हैं, हड्डी का ऐसे काटो, ऐसे करो, ऐसे करो, हाँ क्या है, आप ये नहीं सोचो कि क्या इसने कभी किया है? नहीं। तो ऐसी चीज लोग बोलने शुरू करते हैं ब्रो साइंस, और बॉडी बिल्डिंग में तो ब्रो साइंस बहुत जोरदार है, ये कर लो, वो कर लो। एनीवेज, कैन वी टेक मल्टीपल, ये तो हो गया।
ब्रो साइंस, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है तो बॉडी को एनर्जी मिलेगी? हाँ जी मिलेगी भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम बंद नहीं होता, कम काम करता है। जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो इंसुलिन कम काम करता है, जीरो काम नहीं करता, वैसे डाइजेस्टिव सिस्टम कम काम करता है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम बंद हो जाएगा ना, पैरालिटिक इलियस बोलते हैं इसको, जब डाइजेस्टिव सिस्टम हिल ही नहीं रहा तो भाई साहब आप खाना नहीं खा पाओगे, पेट फूलता जाएगा, उल्टी आएगी, जो भी खाओगे नीचे कुछ नहीं निकलेगा, इंजेक्शन इससे खाना देना पड़ेगा, ऑपरेट करके वो आग सड़ जाएगी। ऐसा है, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं काम करता, कम काम कर सकता है, कोई एक आधी एंजाइम मिस हो सकती है, कोई कुछ हो सकता है, वो कारण ढूंढना पड़ता है। क्या केवल सैलेड और फ्रूट्स खा के बॉडी का काम चल जाएगा? जी हाँ, कुछ दिन तक, कुछ दिन तक चल जाएगा, कुछ हफ्तों चल जाएगा, फिर आपको डेफिशिएंसीज होने लगेगी। एक बैलेंस डाइट नहीं खाओगे तो कई बार मिनरल्स की, कई बार किसी चीज़ की, कई बार किसी चीज़ की डेफिशिएंसी होने लगेगी, फिर उल्टे सीधे सिम्टम आएंगे। जी हाँ बिल्कुल होगा। ग्रीन टी डिजॉल्व फैट कतई भी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। ग्रीन टी के ऊपर, इसके ऊपर पूरा डिटेल वीडियो है, डिजॉल्व फैट करती है कि नहीं करती है, आप जाके देख सकते हो। पेड सवाल आया है, डज वी वेयरिंग ग्लासेस फॉर सम टाइम इंप्रूव आई साइड? यस, ये सच है। जब आप ग्लास नहीं पहनते हो, सी, जब आप चश्मा है आपको, आपने चश्मा नहीं पहना, तो यू आर पुटिंग अकोमोडेशन स्ट्रेस ऑन योर आईज, आईज के ऊपर स्ट्रेस आ रहा है, उस स्ट्रेस के वजह से आपका नंबर बढ़ सकता है। इसीलिए जब आपको चश्मा लग गया है तो चश्मा पहनने से, पहने रहने से आईज का नंबर सेट हो जाता है, एक बार सेट हो गया तब आप लेंस ले सकते हो, बात समझे? और इसीलिए हर 6 महीने या साल में चश्मे का नंबर चेक कराया जाता है और देखा जाता है कि बदल रहा है कि नहीं। तो यस दैट इज गुड। बनाना है एग या वर्ज कॉम्बिनेशन? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वर्स्ट कॉम्बिनेशन इंडिविजुअल बेसिस पे होता है, कई लोग बनाना नहीं खा सकते, कई लोग एग नहीं खा सकते, कई लोग एग और बनाना मिक्स करके नहीं खा सकते, बट ऐसा कुछ नहीं है कि वो हर बंदा खाएगा तो हर एक को प्रॉब्लम होगा, ये इंडिविजुअल बेस्ड है, इसको जनरलाइज्ड वे में नहीं बोल सकते कि मैं ये खाऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम होगा ही होगा, मतलब हर एक को प्रॉब्लम होगा ऐसा नहीं है। दुनिया भर में लोग, कोई कोई डिशेज होंगी जिसमें बनाना और अंडा दोनों यूज होता है। अब बनाना केक, फ्रूट केक है, अंडे वाला केक है, अंडा भी है, बनाना भी है, आपने अंडा बनाना साथ में खाया है, ऐसा तो नहीं होगा कि आप मर जाओगे, बात समझे कि नहीं समझे? सो इट्स बेसिकली नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ फूड, इट्स बेसिकली योर सिस्टम विच इज नॉट एक्सेप्टिंग इट। वो हर एक में अलग होगा, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। साइंस का भाई, भाई का साइंस, ब्रो साइंस क्या है? भाई का साइंस, साइंस का भाई। हार्ट अटैक मोस्टली रात में ही क्यों होता है? ब्रो साइंस, ये राइट, ब्रो साइंस नहीं है ये, इसके ऊपर वीडियो है मेरा, सच्ची कच्ची जी, सच्ची खानी जी, इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो है, हार्ट अटैक विंटर्स में क्यों होता है, रात में क्यों होता है, ये विंटर वाले वीडियो में देखो आप, विंटर मॉर्निंग में क्यों होता है उसमें समझाया है। ब्रो साइंस सर, डेंटल एनेस्थेशिया से शुगर कम होती है कुछ समय तक के लिए? नहीं, ये क्या बकवास हुई? एब्सोल्युटली नॉट। हेलो, हाँ कौन, इवनिंग, हाँ बताओ बेटा, मैं ओपीडी में हूँ। ओपीडी में हूँ तो क्या करना है, चलो एनीवेज। एलोवेरा से स्किन में इवन टोन आता है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भी ब्रो साइंस है। एलोवेरा इज एन एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, वो हाइड्रेट करेगा, वो हाइड्रेशन करेगा, एंटीऑक्सीडेंट है, उसमें थोड़ी प्रॉपर्टीज हैं, वही जो जिंजर में भी है, वो गार्लिक में भी है। ऐसी कोई प्रॉपर्टी मेरे को बताओ जो एलोवेरा में है जो जिंजर गार्लिक में नहीं है, या ऐसी कोई चीज? देखो बहुत सारी कॉमन प्रॉपर्टीज, दीज आर गुड थिंग्स, दीज आर गुड थिंग्स, नो डाउट, मगर गुड थिंग्स को ये बोलना कि भाई ये तेरे घर में रहेगा ना तो तुम बोल, मतलब ये ले लो और आज के बाद तुम्हारे ये पेन ले जाओ, अपने घर में ये पेन से लिखो तुम कभी फेल नहीं होंगे, क्या ये सच है? ऐसी बातें बोलना कि एलोवेरा से खाओगे तो कुछ बीमारी भी, ठीक है ये पेन दूसरे से थोड़ा बेटर चलता है, ओके मान लिया, बट दैट डजंट मीन इट विल बी अ मैजिक ट्रिक, समझे कि नहीं? लेमन विथ वॉट वाटर कट बेली फैट? एब्सोल्यूट रबिश, सेम थिंग, राइट। लेमन विथ वार्म वाटर डज नॉट डू एनीथिंग, थोड़ा सा डाइजेशन बेटर करता है बस, डाइजेशन बेटर करता है बस, सेम थिंग कर सकते हो, थोड़ा ज्यादा चबा के खाना खा लो, सेम बल्कि बेटर इफेक्ट आएगा, लिटरली 10 गुना बेटर इफेक्ट आएगा। ना एलोवेरा, ना एप्पल साइडर विनेगर, ना लेमन, सिर्फ खाने को डबल टिबल चबा के खाओ समय लगा के।
मैस्ट्रुएशन से हेयर लॉस होता है और मैम बूब्स आ जाते हैं, जी नहीं, कतई भी नहीं, एब्सोल्यूट ब्रो साइंस रबिश, कोई लॉजिक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, राइट। मदर हैज, ये तो नहीं है ब्रो साइंस, ओके ब्रो साइंस। वाइग्रा हेल्प्स इन इरेक्शन, हाँ, डज वाइग्रा हेल्प्स आल्सो इन टेस्टोस्टेरोन बूस्ट? नो, वाइग्रा टेस्टोस्टेरोन बूस्ट नहीं करता है। वाइग्रा आपके खून की नसों को डायलेट कर देता है, ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, इसलिए आपका वहां पर पेनिस के साइड में इरेक्शन हो जाता है। उसका मतलब ये नहीं कि उससे टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा, कतई भी नहीं, वो टेस्टिस को कुछ नहीं करता, टेस्टिस जहां से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है उसको कुछ नहीं करता है, आपके टेस्ट क्या नाम है पेनिस में करता है वो, ये बकवास है, ऑल ब्रो साइंस। लोग तो आपको कुछ भी खिला देंगे आप खाने जाओगे तो। अच्छा, एच आई वी इज अ मिथ? नो, एच आई वी इज नॉट अ मिथ, एच आई वी एग्जिस्ट, पर हर एच आई वी के एड्स नहीं होगा, एच आई वी एड्स आर डिफरेंट थिंग्स, ओके, डिफरेंट मतलब एच आई वी से एड्स होगा लेकिन हर एक को नहीं होगा, दैट इज वन थिंग। एड्स कैंट बी स्प्रेड विथ सेक्स? नो, एड्स डज स्प्रेड विथ सेक्स, एच आई वी बेसिकली। ओके, इज देर एनी लॉजिक दैट शुड नॉट ईट नॉन वेज विद मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स? नो, देर इज नो प्रूवन साइंस हियर, राइट। किसी किसी को इससे रिएक्शन होता है, किसको होगा किसको नहीं होगा, नोबडी नोज। उन लोगों को ज्यादातर होता है जिनको ऑलरेडी फिश खाने से रिएक्शन हो या मिल्क खाने से रिएक्शन हो, तो आपको अपने बेसिस पे देखना पड़ेगा, ये कोई दुनिया भर का साइंस नहीं है कि हाँ एक को रिएक्शन हो। जैसे एक को धूप में जाने से खुजली हो जाती है और मैं बोल दूं जो भी धूप में जाएगा वो खुजली से मर जाएगा या खुजली होती जाएगी, तो ऐसा नहीं होता, राइट। सो दोज आर एग्जैजरेटेड थिंग्स जो ऑब्जर्वेशन से बनाई गई थी, ठीक है, दैट आर एक्सेप्टेबल कि हाँ कुछ लोगों को वो डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ लोगों को वो चीज़ अलग है, वो कुछ लोगों के केस में है। ओके ब्रो साइंस एक्सरसाइज, ब्रो साइंस इज न्यूटेला सोया चंक्स हार्मफुल? ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बोलो भाई आ जाओ, आ जाओ जल्दी आ जाओ। ब्रो साइंस न्यूटेला सोए क्या हुआ? एक पेशेंट है जो 7-8 नंबर पे, एएफ है, एएफ है, कुछ दिया? ये पहले का है? नहीं नहीं, ये दूसरा पेशेंट है, ये तो एएफ है, एएफ विद एफवीआर, इसको कॉड्रोन दो, बीपी ठीक है, तो बीपी कितना है? 120 है। नॉरेड को 2 से बढ़ा दो और कॉड्रोन शुरू कर दो, नॉरेड 12 कर देना जी सर, और कॉड्रोन शुरू। ये क्या है? ये टिपिकल चेस्ट, ये तो एलवीएच है, ये एलवीएच है, इसका एंजाइम करा लो, ठीक है, हेडेक भी हो रहा साथ में। एंजाइम कितना है? कार्डिक एंजाइम ट्रॉपिक ठीक है सर, बस फिर कुछ नहीं, रिपीट भी हो रखा, डिस्चार्ज एफिशिएंट, बट आज परमिशन नहीं आई थी तो भी रात को रुका है, कुछ नहीं करना है इसको, ये ठीक है, करना इसको कुछ, हाँ कुछ नहीं, एलवीएच है वो और कुछ नहीं। इसके लिए एक कॉड्रोन दो, और पुराना ईएफ तो नहीं है? पुराना है सर, पहले भी कॉड्रोन चला सर इसको, कब चला था? एफिशिएंट अभी 2-3 दिन पहले, हाँ फिर चला दो, कॉड्रोन दे दो, ठीक दे दो, ठीक है, बाकी मैं आके देखता हूँ, ठीक है। और सुनो, इको मशीन मंगा लेना, अगर कोई इको है तो उस पर लगा लेना, ठीक है, ठीक है। राइट ब्रो साइंस सर, खाना सही से पचा है या नहीं पता कैसे चलेगा? ये सही है यार, कुछ भी पूछ लो ब्रो साइंस लिख के। अमन जी हिसाब किताब, ब्रो साइंस का क्या मतलब है? सर क्या बॉडी वेट एक्सरसाइज से मसल नहीं बनते? ना, ये इज ब्रो साइंस कि बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, बाकी ये कोई ब्रो साइंस नहीं हुआ, लेकिन बनते हैं। और क्या खाना सही से नहीं पचा इसे कैसा पता चलेगा? उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम का हेल्थ का वीडियो देखो। हाँ, न्यूटेला सोया चंक्स हार्मफुल फॉर हेल्थ एंड कॉज गैस्ट्रिक कॉम्प्लिकेशन? एब्सोल्युटली नॉट। मैंने फिर बताया है, न्यूटेला मुझे मिल जाए मैं रोज खाऊं, अब वो रोज बनते नहीं है घर में, इसलिए न्यूटेला इज वेरी गुड। 100 ग्राम सोया खा सकते हो रोज, मैंने बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में, उसके ऊपर अलग से भी वीडियो, अलग से प्रूफ भी कई बार मैं दे चुका हूँ। 8 साल से इंटरनल पाइज, ये छोड़ो ब्रो साइंस, ये भी हो गया ब्रो साइंस। नो, मैस्टरबेशन से वेट लॉस नहीं होता ब्रो साइंस, भाई साहब अच्छे बाप रे, 40 मिनट हो गए, बंद करना पड़ेगा वरना आगे कोई वीडियो नहीं देखेगा, ये बहुत खतरनाक है समटाइम्स। चलो दोस्तों, थैंक यू सो मच, 10 सेकंड बचे हैं और बहुत सारे ऐसी वीडियो देख लिए, बहुत सारा साइंस बता दिया आपको, राइट। याद रखिए ब्रो साइंस बहुत खतरनाक चीज़ें हैं, उनसे दूर रहिए। मेरा एक वीडियो है, आप लोग अगर देख रहे हैं, हाउ टू फाइंड रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, हाँ पहले बनाया था इनिशियल डेज में, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको देखना, हाउ टू फाइंड रिलायबल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन बाय डॉक्टर एजुकेशन, टाइप करो, देखो वीडियो। और मैं कोशिश करता हूँ आपको बॉडी बिल्डिंग के बारे में या दूसरे टाइप के बारे में और एक वीडियो आज ही रात को देने का,
तो जरूर देखिएगा। ओके बाय।